हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के 2011 में पूछे गए एसबी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ नॉन इनकैशबिलिटी ऑफ केवीपी। ये 2012 और 14 में भी रिपीट हुआ था, तो इसका आंसर है 2.5 ईयर्स, 2 साल 6 महीने केवीपी लॉक रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन विल बी यूज फॉर प्लेजिंग ऑफ सर्टिफिकेट एज सिक्योरिटी। तो ये प्लेजिंग का फॉर्म के बारे में पूछा गया है, इसे NC-41 कहते हैं। इसको एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट एज सिक्योरिटी, ये वाला फॉर्म रहता है NC-41, प्लेजिंग का फॉर्म। ये रिपीट हुआ था 2012 और 14 में। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इसके लिए फॉर्म है NC-34। ये रिपीट हुआ था 2012 और 2013 में। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर फॉर्म रहा तो वो NC-34 कहेंगे उसे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सर्टिफिकेट अगर ट्रांसफर करना है तो। नेक्स्ट टू हो, किसान विकास पत्र कैन बी प्लेज्ड एज सिक्योरिटी। तो किसान विकास पत्र किसे प्लेज कर सकते हैं हम एज अ सिक्योरिटी, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। तो इन चारों को हम प्लेज कर सकते हैं किसान विकास पत्र। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर जॉइंट होल्डर स्पाउस इन केस ऑफ जॉइंट SC/SS अकाउंट। तो जॉइंट होल्डर के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है SC/SS में, जॉइंट होल्डर कितने भी साल का रहा तो भी चलता है। तो व्हाट इज द एज क्राइटेरिया, नो एज क्राइटेरिया फॉर जॉइंट होल्डर। सीनियर सिटीजन में फर्स्ट होल्डर ही मेन रहता है, सेकंड होल्डर का एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रहता। नो एज क्राइटेरिया फॉर जॉइंट होल्डर सीनियर सिटीजन में। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड। तो ये है ₹50। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड, तो ये ₹50 है प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फी फॉर ट्रांसफर ऑफ SC/SS फ्रॉम वन PO टू अनदर PO फॉर फर्स्ट ट्रांसफर। तो ये थी 2011 में, ₹5.5 per lakh, अभी ये ₹100 है। फी फॉर ट्रांसफर ऑफ SC/SS फ्रॉम वन PO टू अनदर PO फॉर द फर्स्ट ट्रांसफर इज ₹5 per lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ SC/SS अकाउंट। तो ये चारों डॉक्यूमेंट लगते हैं, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ऑल द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं SC/SS अकाउंट ओपन करने के लिए, एज प्रूफ लगता है, आईडी प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ और ऑल द अबव। हाउ द एडवाइस ऑफ ट्रांसफर विल बी सेंड बाय ट्रांसफरिंग HO। तो ये 2012 में भी आया था, तो ये इंश्योर्ड पोर्स AT का क्वेश्चन था, लेकिन अभी ये AT बंद हो गई है, एडवाइस ऑफ ट्रांसफर अभी नहीं रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फी फॉर ट्रांसफर ऑफ डुप्लीकेट पासबुक फॉर SC/SS फॉर सेकंड टाइम। ये डुप्लीकेट पासबुक की फी पूछी थी सीनियर सिटीजन के लिए, तो ये ₹20 था, अभी ये चेंज हो गया, अभी ₹50 है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फी फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक फॉर SB। SB के डुप्लीकेट पासबुक के लिए ₹10 फी यहाँ पर दी गई है, लेकिन अभी ये भी चेंज हो गई है। व्हाट इज़ द फी फॉर इशू ऑफ फ्रेश पासबुक इन लियू ऑफ यूज्ड वन। तो इसके लिए कोई फी नहीं रहता, अगर पासबुक खत्म हो गया तो उसके बदले दूसरा पासबुक इशू करने के लिए कोई फी नहीं रहती। नेक्स्ट, वेयर डज ऑल सेविंग सर्टिफिकेट प्रिंटेड। तो सारे सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ पर प्रिंट होते हैं, तो इसका आंसर है नासिक में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, लेकिन अभी सर्टिफिकेट बंद हो गए, पासबुक फॉर्म में ही आते हैं। फी फॉर इशू ऑफ आइडेंटिटी स्लिप, इशू ऑफ आइडेंटिटी स्लिप ऑफ KVP डिनोमिनेशन 10,000। तो आइडेंटिटी स्लिप पहले थी, इसके लिए कोई फी नहीं रहती थी, अभी डिनोमिनेशन वाले सर्टिफिकेट बंद हो गए, अभी सिर्फ पासबुक है। व्हाट इज़ द फी फॉर कैंसिल और वेरी नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये पहले ₹1 था, 2012 में भी आया था, लेकिन अभी इसकी फी भी चेंज हो गई है, नॉमिनेशन चेंज करने के लिए अभी उसमें ₹50 का चार्ज लगेगा। व्हाट इज़ द फी फॉर कैंसिल और वेरी नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, अभी रहेगा ₹50, पहले था ₹1। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हम आगे के वीडियो बनाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2012 के क्वेश्चन लेके आएंगे।